हाय हेलो शब्बात शालोम प्रेज द लॉर्ड। मैं तुम्हारा एंकर कुमार तिरुपति तुम सबका स्वागत करता हूँ इस बिब्लिकल इंटरव्यू में जिसका नाम है आमना सामना। आज मैं बाइबल के दो ऐसे महान भविष्यवक्ताओं का इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, एक जिन्होंने इतिहास को रच दिया है और एक जिन्होंने इतिहास को बदल दिया है। अगर मैं इनका परिचय कराऊं तो इन्हें हम क्या नाम से संबोधित करें, चरवा, आराधक, भविष्यवक्ता या राजा? सारे इज़राइल देश के ऊपर लगभग 40 साल राज्य किया हुआ, कहीं युद्धों को जीता हुआ और अपने न्याय के सिंहासन को स्थापित करते हुए यहोवा खुदावन का मन का प्रिय राजा दाऊद। और दूसरे वे हैं जो अपने लड़कपन से ही बेबलोन देश के बंधुआई में अपना सारा जीवन काल को बिताकर दुश्मनों के बीच में रहकर भी यहोवा खुदावन का हर वचन का पालन करते हुए अपने बुद्धि ज्ञान और परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होकर बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी और राजाओं को मात देते हुए सारे बेबलोन देश को अपने हित में किया हुआ वो और कोई नहीं भविष्यवक्ता डैनियल। मैं आप दोनों का प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे इस इंटरव्यू में स्वागत करता हूं। तो मेरा पहला सवाल है, आप दोनों का बचपन, आपका जन्म किधर हुआ, आपका पालन पोषण कैसा रहा? बहुत सारे मसीह भाई बहन आप ही के जबान से सुनना चाहते हैं आपका वो बचपन का अनुभव। तो हमारे उस मसीह भाई बहनों के लिए आप ही के शब्दों में उस बचपन का अनुभव को शेयर करें। यहोवा के अनुग्रह से मेरा बचपन बड़ा खास रहा। यूदा के गोत्र से बेतलहम में मेरा जन्म हुआ। मेरे परिवार में मैं सबसे छोटा था। मेरे माता पिता ने बचपन से ही यहोवा के नाम को मुझे सिखाए थे। एक दिन जब मैं जंगल में अपने भेड़ बकरियों को चरा रहा था, एक सिंह मेरे भेड़ को अपने जबड़ों में निगल लिया था। मैंने यहोवा के नाम से उसके जबड़ों को फाड़कर उसके अंदर से मेरे भेड़ को मैंने बचा निकाला। ये सब यहोवा का अनुग्रह है। यहोवा का हाथ मुझ पर मेरे बचपन से ही था। जब मैं अपने भेड़ बकरियों को चरा कर जब घर की ओर लौटा तो मेरे पिता ने मुझसे कहा, हे दाऊद, तुम्हारे भाई युद्ध करने युद्ध भूमि गए हैं, तो कुछ भोजन को लेकर उनके पास चले जा। जब मैं उस भोजन को लेकर दौड़ता हुआ उनके पास गया तो मैंने क्या देखा, गोलियत नामक एक दानव जो है बड़ी ललकार को दे रहा था। वो इसराइल के परमेश्वर का निंदा कर रहा था। जब ये बातें मेरे कान पर पड़ी मेरा खून खोल सा उठा। मैंने कहा, कौन है ये, मुझे एक मौका मिले तो इसे मैं यहाँ पर ही घात कर दूं। तो ये बात जो है राजा साउल तक पहुँच गई। साउल राजा ने मुझे बुलाया, उसने कहा, ऐसी तेरे अंदर क्या बात है कि तू इसे मारने की बातें कर रहा है, हम सब तो डरे हुए हैं। तब मैंने उसे कहा, यहोवा परमेश्वर जो है मेरे साथ है, उसने किस रीति से मुझे मदद की उस बालों को फाड़ने की, उस सिंह के जबड़े को फाड़ने की। ये सुनकर साउल राजा ने मुझे अनुमति दी। उसी समय मैंने जो है नाले से 5 पत्थर उठाए और यहोवा के नाम से 1 पत्थर दे मारा। जब वो पत्थर जाकर उसके माथे पे लगी, वो गोलियात वो दानव यहोवा के नाम से मुंह के बल गिर पड़ा और इन्हीं हाथों से मैंने उसके कंठ को उसके गर्दन से अलग कर दी। यहोवा परमेश्वर ने बचपन में ही मुझे इज़राइल का राजा कहकर उन्होंने भविष्यवक्ता सैमुएल के द्वारा उस तेल से मुझे अभिषेक की। इस रीति से मेरा बचपन बड़ा अद्भुत और बड़ा खास रहा। तो प्रियो, हमने सुना किस रीति से परमेश्वर ने राजा दाऊद को बचपन से ही अपने महिमा के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया। भविष्यवक्ता डैनियल, मैं अपने बचपन के बारे में बताऊं तो माँ के गर्भ में रहते ही यहोवा खुदावन ने मुझे चुन लिया था। और जब मैं 5 साल का छोटा सा बालक रहा
तब से ही उस यहोवा खुदावन के यरूशलेम मंदिर में मैं उसकी सेवा करने लगा। एक दिन ऐसा हुआ जब मैं यरूशलेम मंदिर के आसपास ही था, किसी ने मुझे पीछे से धर लिया और वे लोग मुझे ऊपर से नीचे ताकने लगे। आखिर में मेरे हाथों को बांधकर मुझे गुलामी के रूप में, एक बंधुआई के रूप में बेबलोन नाम के देश में ले चले गए। तब उस देश का राजा ने बड़ी नापाक चीजों को हमारे सामने रख दी और उसने कहा, तुम यहूदी लोग, तुम सारे लोग इस नापाक चीज को खाओ। और मैं यहोवा खुदावन पे विश्वास करने वाला, उसके वचन पर चलने वाला, मैंने कहा, नहीं, हम ये नापाक चीज नहीं खाएंगे। ये अपवित्र वस्तु है जो परमेश्वर के विरोध है। और मैं उसके विरोध करते हुए परमेश्वर के वचन पर मेरे बचपन से ही खड़ा रहा। मेरा बचपन इतना खास या इतना अद्भुत नहीं रहा, फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह उस गुलामी में, उस बंधुआई में भी मेरा साथ रहा। अब आप दोनों से मेरा दूसरा सवाल है, आप दोनों का अंत। हमने अब तक आपके शुरुआत के बारे में सुना, परंतु अब हम जानना चाहते हैं आप दोनों का अंत कैसा रहा। अगर मेरे अंत के बारे में बताऊं तो वो भी बड़ा खास है। इज़राइल के सारे इतिहास में हर राजा के ऊपर मेरा प्रथम नाम है, राजा दाऊद। बेतलहम नगरी मेरे नाम से बुलाई जाती है। उतना ही नहीं, इज़राइल देश के ऊपर 40 साल मैंने राज्य किया है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। उसके वचन के अनुसार मैंने इज़राइल का पालन किया है। हर युद्ध मैंने उसके नाम से जीता है। उसके अनुमति से मैंने हर काम किया है। मेरा जीवन पूरा मैंने उसे समर्पित किया है। मैंने जो भी काम किया है यहोवा के अनुसार किया है, उसके कहने पर किया है। इसीलिए यहोवा ने उसका मन का प्रिय कहकर मुझे बुलाया। मेरे लिए बड़े धन्यता की बात है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह को दाऊद का संतान करके कहलाया जाता है। वो मेरे लिए एक सौभाग्य है कि मेरे नाम से प्रभु यीशु मसीह को बुलाया गया है। इतना अद्भुत परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया है, उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल किया है। कहीं गीतों को मैंने अपने कंठ से गाया है, कहीं गीतों को मैंने यहोवा के नाम से मैंने लिखा है। ये सब उसकी महिमा है। भविष्यवक्ता डैनियल, आपके अंत के बारे में कुछ बातों को बताइए। अगर मैं अपने जीवन के अंत के बारे में बताऊं तो मेरा जीवन सारा उस बेबलोन देश के गुलामी में बीता है। 70 साल के लिए मैं उस गुलामी में रहा, परंतु फिर भी परमेश्वर मेरे साथ अद्भुत कामों को किया है। मैं बचपन में गया तो गुलामी के रूप में था, परंतु मेरा अंत जो है उस देश का प्रधानमंत्री के रूप में परमेश्वर ने खड़ा किया है। और यहोवा खुदावद ने बड़े दर्शनों के साथ, भविष्यवाणियों के साथ मुझे इस्तेमाल किया है। एक दिन जब मुझे सिंह के गुफे में डाला गया, उस सिंह के गुफे में भी परमेश्वर मेरे संग था और मैं उस गुफे में अपनी आंखों को बंद कर यहोवा खुदावन की भजन गा रहा था। जब सुबह हुई, जब मैंने अपनी आंखों को खोला, तो मैंने अपनी आत्मिक आंखों से इस बात पर दृष्टि की, स्वर्ग के सारे स्वर्ग दूत जो है हर सिंह के मुंह को बंद कर पकड़े हैं और उनके बीच मैं चलता हुआ उस सिंह के गुफे में से बाहर निकल आया हूँ। ये यहोवा खुदावन का मेरा अनुग्रह है, जो उस गुलामी में भी वो मेरे संग था, उस तकलीफ में भी वो मेरे संग था। भविष्यवक्ता डैनियल, आपके बारे में भी हमने जाना, आपका शुरुआत कठिन था, आपका परिस्थिति भयंकर था। 70 साल तक आप उस कठिन परिस्थिति में पले बड़े, चारों तरफ जो है दुश्मने घेरे हुए हैं, चारों तरफ दुख और समस्याएं हैं, और आपका अंत परंतु अच्छा रहा। मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है, इन दोनों के बीच में आपके जीवन में ऐसा कोई पल या ऐसा कोई घटना जिसे याद कर आप बड़ा अफसोस महसूस करते हैं, शायद वो दिन ना होता, शायद वो मैं ना किया होता, शायद मैं उधर ना गया होता, ऐसा कोई बात है तो हमारे दर्शकों से शेयर करें। जो नहीं पूछना चाहिए था तूने उसे ही पूछ लिया।
फिर भी मैं इस बात को बताना चाहता हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं, मुझे कोई लज्जा नहीं इस बात को बताने में। हाँ, मेरे पूरे जीवन में मैंने भी पाप किया है। मैंने ऐसा एक काला दिन मेरे जीवन में देखा है, जब मैं उसे याद करूं तो सोचता हूँ क्यों मैंने ये किया। शायद ये दिन मैं ये ना किया होता। वो दिन था जिस दिन मैंने बेचबा के साथ पाप किया। असलियत में मैं तो युद्ध में होना चाहिए था, परंतु मैं अपने भवन के ऊपर टहलता फिरता रहा। जब मैंने अपनी नजरों से अपने सामने वाले भवन में एक स्त्री को देखा, मैंने उसे अपने पास बुला कर लिया। उसके साथ मैंने व्यभिचार किया, उसके साथ मैंने कुकर्म किया और यहोवा के विरोध मैंने पाप किया। जब मुझे पता चला तो मेरे अंदर घबराहट आ गई, मैं डर सा गया, मैं तितर बितर हो गया। मैं उसके पति को बुलाया, मैंने उसे मरवा डाली, मैंने व्यभिचार किया, मैंने हत्या किया और मैं सोचा मैं तो राजा दाऊद हूँ, सारे पाप चुप गए। मैंने उसके पति को मरवा डाला, मैंने सब कुछ दफना दिया है, अब मुझे कोई नहीं देख सकता, अब मुझे कोई नहीं पकड़ेगा। परंतु यहोवा परमेश्वर, जो सब कुछ देखने वाला मेरा परमेश्वर ने, उसने स्वर्ग से देखा, उसने एक भविष्यवक्ता नातान को मेरे पास भेजा। जब उसने आकर मेरे आंखों में आंखें डालकर जब उसने उस सत्य को बताया कि मैंने किस रीति से विचार किया, किस रीति से हत्या किया, मैं शर्मिंदा हो गया, मेरा दिल टूट सा गया। राजा दाऊद, हो सकता है कि तुम्हारा परिस्थिति इतना अच्छा ना हो या तुम्हारा आसपास का माहौल इतना अच्छा ना हो। नहीं नहीं, मैं अपना पाप का दोष किसी को नहीं देना चाहता। मेरा परिस्थिति सब कुछ अच्छा था। मैं इजराइल का राजा, परमेश्वर ने मुझे सिंहासन दिया था, राजमहल दिया था, नाम और शौहरत सब कुछ मेरे पास था। मेरे चारों तरफ की परिस्थिति अच्छी थी। याजक, महायाजक और भविष्यवक्ताएं मेरे साथ रिया करते थे। आराधक मेरे चारों तरफ रहकर परमेश्वर की आराधना किया करते थे। मेरे चारों तरफ का माहौल अच्छा था। फिर भी मैंने ये पाप अपने खुद के स्वइच्छा से किया है। मैं ये दोष मेरा परिस्थिति या मेरा माहौल को नहीं देना चाहता, इसीलिए मुझे कोई शर्म नहीं इस बात को अंगीकार करने के लिए। मैं इजराइल का राजा दाऊद, अपने खुद के स्वइच्छा से मैंने वो पाप किया है और वो परमेश्वर जो करुणामय है, जो दयालु है, उसने मुझ पर अनुग्रह किया और मेरे पापों को उसने क्षमा किया। भविष्यवक्ता डैनियल, ऐसा कोई दिन या ऐसा कोई घटना जिसे याद करकर आप बड़ा अफसोस महसूस करते हैं? नहीं नहीं, मेरे पूरे जीवन में ऐसा कोई एक पल भी नहीं, एक दिन भी नहीं जिसे मैं याद करकर अफसोस कर सकूं। बाइबल में मेरे नाम से किताब है जिसमें 12 अध्यायी है। पूरे किताब में एक भी दोष परमेश्वर ने मुझ पर नहीं लगाया है। परमेश्वर का अनुग्रह है कि मैं एक नीतिवान बनकर उस गुलामी में अपने जीवन को बिता सका। आपने देखा किस रीति से राजा दाऊद और भविष्यवक्ता डैनियल अपने ही जबान से अपने अनुभव को उन्होंने हमारे बीच में रखा। किस रीति से राजा दाऊद का शुरुआत और अंत तो अच्छा था, उनके चारों तरफ का माहौल अच्छा था, फिर भी उस गलती को वो कर बैठे। परंतु भविष्यवक्ता डैनियल, जिनका चारों तरफ का परिस्थिति बुरा था, वो बंधन में थे, वो तकलीफ में थे, आंसू में थे, परंतु फिर भी वो परमेश्वर के वचन में थे। उनका परिस्थिति बुरा था, परंतु वो परमेश्वर में खड़े रहे। इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं हर मसीह भाई बहनों से यही बताना चाहता हूँ, इस दाऊद के सम्मान और एक डैनियल के सम्मान हमारा जीवन हो सकता है। हो सकता है कि उस दाऊद के सम्मान हमारा जीवन जो है चारों तरफ आत्मिक लोगों से घिरा हुआ है, सब कुछ अच्छा है। हो सकता है कि हम एक अच्छे आराधक है, डेली बाइबल पढ़ते हैं, डेली प्रार्थना करते हैं, एक पास्टर के बच्चे हैं, फिर भी हम पाप कर सकते हैं, फिर भी हम गलतियां दोहरा सकते हैं, फिर भी हम परमेश्वर के वचन को टुकरा सकते हैं। परंतु डैनियल भविष्यवक्ता के जीवन से हमें यही सीख मिलती है, हमारा परिस्थिति कितना बुरा भी क्यों ना हो, हमारा चारों तरफ कितने दुख, तकलीफ, समस्याएं, बीमारियां भी क्यों ना हो, हम परमेश्वर के वचन पर दृढ़ बने रहेंगे। इन दोनों परमेश्वर के दासों का जीवन हमारे लिए एक सबक है, एक उदाहरण है कि हमें कैसा जीवन को जीना है और किस रीति से परमेश्वर का वचन का पालन करना है। शबात शालोम।